अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, माय नेम इज किरण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ स्वांजना। इसके अज्जा और इसका तरीका, स्वांजना ज़्यादातर दरख्तों पर सर्दियों में लगता है और ये सर्दियों में ही शौक से खाया जाता है। इसे सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। इसे हम बना रहे हैं गोश्त के साथ। मैंने यहाँ पर बीफ गोश्त लिया है, कुछ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अब इन्हें कट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को प्रेशर में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, खुश्क धनिया 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी। स्वांजने को अलग पानी में बॉईल कर लिया है और इसका पानी गिरा देंगे। 1 कटोरी दही, प्रेशर को बंद करके 10 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे खोलकर अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच लहसुन। स्वांजना बॉईल होकर इस तरह से हो जाएगा। गोश्त वाले मसाले को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल निकल आए। अब स्वांजने को अच्छे से पीस लिया है और इसे गोश्त में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे दही वाले पानी में पकने देंगे। हसबे ज़रूरत नमक, ग्रीन चिली मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। इसका पानी खुश्क हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी स्वांजना होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वांजना तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।